नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और आप सभी लोगों ने ये मालूम भी कर लिया होगा, अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, उन्हें पढ़ा होगा, उनका मूल्यांकन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं, स्टेट पीसीएस, सिविल सिविल सर्विस में, या और भी आप देखते हैं स्टेट लेवल के आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, सभी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर महीने के आप देखते होंगे कि हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। 2021 में आप देखिए 12 महीने का जो भी करंट से जुड़ी हुई घटनाएं घटी, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम लोगों ने बात की हुई थी। तो मंथली करंट अफेयर्स के नाम से एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी आपकी क्लासें डली हुई हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा जनवरी महीने की जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर भी बात की हुई थी। आज हम लोग फरवरी महीने का करंट अफेयर्स में जो भी आपकी घटनाएं घटी हुई हैं उन सब पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 43वां, 46वां, 49वां या इनका 51वां? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 46वां। कौन सा? 46वां। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अगस्त 1978 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी 2 फरवरी 30 जनवरी 31 जनवरी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कैस्पियन सागर के तट पर बसे ईरान के एक छोटे पर्यटन प्रधान शहर रामसर से हुई है इसकी शुरुआत, और इस शहर में सन 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आगे चलकर सन 1997 से प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर, पणजी। तो ये आप देखेंगे जबलपुर में, कहाँ? जबलपुर में। आप देखें मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट यहीं है जबलपुर में। ठीक है, तो संस्कार राजधानी, न्यायिक राजधानी भी आप लोग इसे कहते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन रक्षा और खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने? AKS त्रिपाठी, TKS माथुर, GAB रेड्डी, PKR राव। कौन बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख की बात हो रही है, तो याद रखिए इसमें आपके GAB बने हैं, इसके GAB रेड्डी साहब। और डिफरेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना मार्च सन 2002 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं? इसमें आपका ए ऑप्शन है रामनाथ ठाकुर, बी कह रहा है मदन मोहन त्रिपाठी, सी कह रहा है विजय पाल वैष्णव, और डी कह रहा है राजकुमार नंदा, राजकुमार नंदा। तो याद रखिए इसमें मदन मोहन त्रिपाठी आपके राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और अगर हम लोग आपकी बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, स्थापना के बारे में भी कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, उमर
अता बंदियाल किस पड़ोसी देश की 28वीं चीफ जस्टिस बने? बांग्लादेश के, नेपाल के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के? तो ये पाकिस्तान के बने हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारे ही साथ रहा है। 1947 में आप देखेंगे अलग देश बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। ये कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, कवि थे, गणितज्ञ थे? तो याद रखिए अभिनेता थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और इनके बारे में अगर कुछ और पॉइंट देखना है तो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनके बारे में पूछ लेगा आपसे। मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, और आप देखेंगे 450 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस की बात हो रही है। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 31 जनवरी? तो ये याद रखिएगा आप लोग, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, दुनिया भर में मनाया जाता है। कहाँ? दुनिया भर में। और एक तरह से आप देखिए इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। 1933 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, और हर वर्ष इस दिवस की एक थीम रखी जाती है। 2022 के लिए रखी गई क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हैं, और कुशाल फरेरा ये श्रीलंका की, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड। तो याद रखिए डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने? फिर से सुन लीजिए, डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं, ए.के. अनिल सिब्बल, जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति, और पी.एस. लोकेश और टीके गणेश चंदन। तो याद रखिए इसमें आपके जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति साहब होंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, और डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी की बात करें तो जून 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए? भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष, जयेश प्रताप, अजय शर्मा, वेणु गोपाल खन्ना, रवि मित्तल? तो याद रखिए इसमें रवि मित्तल साहब को बनाया गया है। अगर भारतीय दिवाला एंड एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड की बात करें तो 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, और नई दिल्ली में इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ग्राफीन नवाचार केंद्र उड़ीसा, असम, केरल, पंजाब? तो केरल में की गई है, और आप सभी देखते हैं कि जो भी इंडेक्स आपके देश में रिपोर्ट आती है उसमें केरल में सबसे अच्छी स्थिति रहती है। और इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 140 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं? एम. जगदीश कुमार, के. सतीश शर्मा, जी. पवन चतुर्वेदी, एस. संदीप पांडे? तो याद रखिए एम. जगदीश कुमार इसके बनाए गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन है? एम. जगदीश कुमार, और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD बनाए गए हैं? कौन
बने हैं? ए ऑप्शन कह रहा है आपसे नवीन शुक्ला, आदित्य चौधरी, रमेश चावला, राहुल भाटिया। तो याद रखिए राहुल भाटिया बनाए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना इंडिगो की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, एक बार आप लोग बता दीजिए। गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में, गुड़गांव, गुरुग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टेट ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? अद्वैत अद्वैत आचार्य, संत रामानुजाचार्य और ब्रह्मानंद स्वामी, संत चरण दास। तो याद रखिए इसमें संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति बनाई गई है, संत रामानुजाचार्य। और इनके बारे में अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 1770 में 17 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1137 में। आप सोच समझ सकते हैं कि हमारे विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई, वह कौन थी? गायिका थी, लेखक थी, गणितज्ञ थी, वैज्ञानिक थी, कौन थी? तो आप सभी जानते हैं गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। और 3 बार उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किए उन्होंने, आप समझ सकते हैं, भारत रत्न दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर, आप लोगों ने इनके गाने भी सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो भारत ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन 1001 दिवसीय मैच खेलने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज। तो याद रखिए भारत बन चुकी है। कौन सी? भारत। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक बने हैं? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात हो रही है, NCERT। आप लोग सुने हो, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपने देखा होगा, NCERT पुस्तकें भी आती हैं। और अगर आप लोग सिविल सर्विस से स्टेट PCS की तैयारी करते होंगे तो 6 से 12वीं तक की NCERT आपको पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन और भारत। तो याद रखिए भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है DNA वैक्सीन। कोविड महामारी के खिलाफ भारत ने DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किससे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी और प्रोफेसर रजनी भोंसले, प्रोफेसर ज्योतिका झा। तो याद रखिए यह है प्रोफेसर शांति धुलीवड़ी, माफ करिए बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, सी कहाँ अंडर में आ रहा था, इसमें क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस फुटबॉल टीम ने AFC बोमेन एशियन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? भारत, चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो याद रखिए चाइना ने जीता हुआ है। किसने? चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड। तो याद रखिए श्रीलंका से इनका संबंध जुड़ा रहा है और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं
34 वर्षीय प्रमुख तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका आप लोग देख रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध लगते हैं, और आप देखिए हमारा पड़ोसी है। किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात हो रही है। ऋषभ देव, संजय कुमार, राजपाल खन्ना, विशाल त्रिपाठी कौन होंगे? तो याद रखिए संजय कुमार होंगे, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात हो रही है, एनडीए, ठीक है। और 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? मुकेश अंबानी, चनफेंग झाओ, जैकमा यून और गौतम अडानी। तो याद रखिए गौतम अडानी बन चुके हैं। अभी जो हाल ही में ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट आई हुई है ना, इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए। अगले क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्ति औसती कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने? फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं अमन तेंदुलकर, पीयूष खंडवा, प्रदीप साय, ब्रिजेश मिश्रा। फाइजर की आप देखेंगे कि तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? माफ करिए, 1950 में। कब? 1950 में। प्रदीप साय इसके बने हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस के रूप में। और आपको बता दूं कि हर साल मनाते हैं 10 फरवरी को, लोगों को दालों के महत्व के रूप में रूबरू कराने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसे मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू हुआ था। दस फरवरी 2018 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्र सरकार ने किस वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में क्या किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है? अजीत घोषाल, नरेंद्र वाडेकर, संजय मल्होत्रा, अभिषेक वर्मा। तो याद रखिए संजय मल्होत्रा होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, गुजरात टाइगर्स, गुजरात पलटन। गुजरात टाइटंस रखा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जारी टुमटुम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है? बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो याद रखिए मुंबई बना है, और आप वैसे भी जानते हैं कि मुंबई में बड़ी घनी आबादी है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, सूरत। तो सूरत में बनेगा, गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर बना है इसमें। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 46वां, 55वां, 67वां, 89वां। और आप देखिए कि हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दम भरते रहते हैं, 46वां स्थान मिला हुआ है हमें, समझ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आप लोग अभी अपने अधिकार मांगने जाइए, आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट में 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतांत्रिक कहा गया है, और इस रिपोर्ट में नॉर्वे सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश में है, यानी कि टॉपर है। भारत अमेरिका में त्रुटिपूर्ण वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अमेरिका को 26वां स्थान, हमें 46वां स्थान। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इसे जारी करती है, ठीक है।
अगला है प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? कौन सा? विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी। तो ये आप देखेंगे कि कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आप देखेंगे इस दिवस को प्रतिवर्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल की थीम रखी गई है विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतवर्ष में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? महिला दिवस की बात हो रही है। सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू और लता मंगेशकर, सावित्री बाई फूले। तो आप सभी जानते हैं कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उत्साह में, सरोजिनी नायडू साहब, इनका 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनकी डेथ 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? आईसीएआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? देवाशीष मिश्रा, मयंक भुल्लर, रश्मि देसाई, अंजलि माथुर। तो याद रखिए देवाशीष मिश्रा, कौन? मित्रा, देवाशीष मित्रा बनाए गए हैं इसके। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? मिर्गी दिवस फरवरी फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को, फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को, फरवरी महीने के दूसरे रविवार को, फरवरी महीने के दूसरे शुक्रवार को। तो याद रखिए आपका फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हर साल मनाते हैं दुनिया भर में। ठीक है, ये 14 फरवरी को आप इस बार मनाया गया है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और इस दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और रोगी एक तरह से बेहोश सा हो जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से लगभग एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब है कि मिर्गी का दौरा आम है और किसी भी दिन आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? एयर इंडिया का जेम्स अर्नाल्ड, गिल्स मैक्स, इल्वर आईसी, विटल ह्यूज। तो याद रखिए इल्वर आईसी होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एयर इंडिया की बात करें तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का जीता है? स्टुअर्ट ब्रॉड, कीगन पीटरसन, फिजूर रहमान, वानिंदु हसरंगा। तो याद रखिए यह है कीगन पीटरसन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यूक्रेन, रूस, इजराइल, जापान। तो याद रखिए इजराइल बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गायक थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे। तो आप सभी जानते हैं कि गायक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? सुरुति देसाई, कला रामचंदन, प्रीति बोहरा, नीलम आचार्य। तो याद रखिए कला रामचंदन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? लोकेश देवदत्त, विशाल मेहरा, विनीत जोशी, अतुल चौकसी। तो विनीत जोशी बने हैं इसके।
कौन बने हैं? विनीत जोशी, माध्यमिक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो ये भी आप लोग ये, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पता है 1929 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए? जी अशोक कुमार, पी बजरंग चौधरी, एम रामचंद्र राव, के गणेश चोपड़ा। बताइए इनमें से कौन रहेगा आपका? इसमें आप देखें तो आपका जी अशोक कुमार होंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की, तुर्कियों, तुर्किये, तुर्किया। तो याद रखिए तुर्किये रखा है, क्या रखा है? तुर्किये, तुर्की ही रहने देते, क्या फर्क पड़ने वाला था। तो ये भी याद रखिए, अंकारा इसकी राजधानी है तुर्की की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कौन स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताइए, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दिल्ली बन गया है। कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते होंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार कांग्रेस के उससे बने थे गठबंधन करके, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में काफी खटपट बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड, डाबर इंडिया। तो याद रखिए डाबर इंडिया बनी है, इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। डाबर की बात करें तो आप देखेंगे 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो नेपाल हमारा पड़ोसी है, नेपाल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? फरवरी महीने की तीसरे शनिवार को, फरवरी महीने की तीसरे रविवार को, फरवरी महीने के तीसरे सोमवार को, फरवरी महीने के तीसरे बुधवार को। तो याद रखिए फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। और इस दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी महीने की तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन की जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। ठीक है, जिस आप सभी जानते हैं कि जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई? किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो आप देखेंगे फुटबॉल से जुड़े हुए थे। किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी और आपका 24 फरवरी। तो याद रखिए 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में, दुनिया भर में मनाते हैं इसे। और इस दिवस को मनाने का अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन ने 17 नवंबर 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा का फैसला किया था, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में अब मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई? बताइए, कैंसर, COVID-19, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर आप पीलिया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कैंसर के कारण इनकी डेथ हो गई। 2020-21 आप सोचिए बहुत बुरा रहा है, बहुत सारे लोगों को लेकर गया, बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। क्या
जैसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते टू, पगलेट। तो पुष्पा द राइज को, ठीक है, ये आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कौन सा बी लगा देंगे आप लोग। किस अगला क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान मिला? मार्क जकरबर्ग, अजीत डोवाल, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी। बताइए इसमें से किसे देगा पाकिस्तान? बिल गेट्स को देगा? हम लोगों को तो दे ही नहीं सकता है। अजीत डोवाल को नहीं देगा, नरेंद्र मोदी साहब को नहीं देने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों से कितना चिढ़ता है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जॉय फिलिपी, एलन मुरे, जेम्स नोकोरा, ताकुआ या तिसु मुरा। ये आप समझ रहे, ताकुया तिसु मुरा। इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए और 5 दिसंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, होंडा कार्स इंडिया की। ग्रेटर नोएडा में इसका हेडक्वार्टर आपको भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, भारतीय खिलाड़ी बी आर वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। तो याद रखिए क्रिकेट के क्षेत्र से, किससे? क्रिकेट के क्षेत्र से। किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर पावर पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? HSBC, रुपीक, क्रेडिला, DHFL। तो याद रखिए रुपीक ने, रूपीक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उन किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री KPAC ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मलयालम, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो मलयालम क्षेत्र, मलयालम की थी, ठीक है। आप देखेंगे मशहूर मलयालम अभिनेत्री KPAC ललिता का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गई इनकी। ललिता ने साल 1969 में KS सेतु माधवन द्वारा निर्देशित कुट्टू कुड़ुम्बम बम से आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। 550 से अधिक मूवियां इन्होंने बनाई। किस राज्य की सरकार ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बताइए इसमें आपका असम होगा, उड़ीसा होगा, बिहार होगा, कर्नाटक होगा। तो असम है, क्या है? असम है। और असम के बारे में अगर हम बात करें तो इसे, इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य बनाया गया था। यहाँ 126 आपकी विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? बिमलेश ठाकुर, सुरेश वर्मा, मनीष श्रीवास्तव, संजीव सान्याल। तो याद रखिए संजीव सान्याल बनाए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत का पहला, भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? श्रीलंका, नेपाल, UAE, चीन। तो याद रखिए UAE में खोला जाएगा। कहाँ? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। तो 24 फरवरी को मनाते हैं आप लोग। कौन सा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में ये सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष 24 फरवरी को, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऋषभ पंत, शाहरुख खान, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा। तो याद रखिए ऋषभ पंत को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? एल्कोहल म्यूजियम
बताइए। राजस्थान, असम, गोवा, तमिलनाडु। तो गोवा में खोला गया है। और गोवा की बात करें तो आप देखिए, इसे राज्य बनाया गया था 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी पणजी है। और आप देखेंगे विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। यहाँ अगला है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असम के थे, उड़ीसा के थे, आप देखें पंजाब, मध्य प्रदेश। तो याद रखिए उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। और उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि आप देखिए उड़ीसा काफ़ी अच्छा स्टेट माना जाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं या नहीं। ये 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका पहला कार्यकाल आप देखेंगे 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक, और दूसरा 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च सन 2000 तक। ठीक है। और ये बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है उड़ीसा की। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। ठीक है। ये उड़ीसा की कहानी है। पितृवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का किस तारीख को मनाते हैं? 2 मार्च, 28 मार्च, 27 मार्च, 1 मार्च, बताइए। तो याद रखिए 28 फरवरी को, माफ करिए 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब का ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जिमी कॉर्नर्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, इवान लिंडल। ये आप देखेंगे राफेल नडाल होंगे। कौन होंगे? राफेल नडाल ने आप देखेंगे जीता है। कैमरून नॉरिस को पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थी आपकी जो भी फरवरी महीने 2022 में जो घटनाएं घटी हुई हैं उनसे संबंधित आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक एक करके हम लोगों ने देख लिया है। अब मार्च महीने में जो भी घटनाएं घटेंगी उस पर भी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे, करंट अफेयर्स से जुड़कर किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। और इसकी टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।